मैथमेटिकल फॉर्मूला में सबसे पहला हम करेंगे एबीएस का फंक्शन। जैसे एबीएस का फंक्शन कहाँ काम आता है, जहाँ मान लीजिए नेगेटिव वैल्यूज हैं और पॉजिटिव वैल्यूज हैं कुछ। अब चाहते हैं वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव में ही दिखाए। तो एबीएस का फॉर्मूला है मीन्स एब्सोल्यूट, इसमें जो भी नंबर देंगे वो पॉजिटिव में ही देगा, चाहे नेगेटिव देंगे पॉजिटिव करेंगे पॉजिटिव ही दिखाएगा। ठीक है जी, ठीक, तो पॉजिटिव में दिखाएगा। दूसरा दो फंक्शन है इसमें सीलिंग और फ्लोर, इनको कैसे समझेंगे कि मान लीजिए यहां पर मैं कुछ टाइप करता हूं, मान लीजिए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं उनके सीरियल नंबर हैं, और ये जो है एक बॉक्स में आते हैं सात। ठीक है जी, तो अभी मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं सीरियल नंबर हैं, जो मैंने कहा कि ये कितने बॉक्सेस में आ जाएंगे, तो सीलिंग या फ्लोर का फंक्शन हम यूज करते हैं इसके लिए। सीलिंग में क्या होता है, नंबर देते हैं और जितने का ग्रुप चाहिए होता है, बेसिकली हम एक ग्रुप बना रहे हैं। तो जैसे मुझे सात का ग्रुप चाहिए, तो ये कह रहा है कि एक सात ये हो गए, अगला चौदह का ग्रुप चालू हो जाएगा, मतलब सात के ही उसमें मल्टीपल में चलता चला जाएगा। जैसा कि मैंने बताया बॉक्सेस वाली बात, तो उसको डिवाइड बाय भी सात से कर दीजिए, जितना अंदर दे रहे हैं उतना बाहर, तो ये आपको एग्जैक्टली दिखाएगा कि मान लीजिए आप चार तक हैं, तो आपको बता रहा है कि ये पहला बॉक्स है, फिर ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, इसमें से कोई नंबर आए। ठीक है जी, ठीक। फ्लोर क्या करता है, एक स्टेप आगे चलता है, करता सेम चीज ही है, बट इसमें ये क्या करता है, कंप्लीटेड नहीं दिखाता। अब जैसे सीलिंग में कंप्लीटेड दिखा रहा है, फ्लोर में कंप्लीटेड नहीं दिखाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है जैसे आप 10 पे हैं, अभी पूछ रहा है कितने बॉक्स कंप्लीट हो गए, तो इसमें दिखाएगा एक। जब ये दो कंप्लीट होंगे 14 पे आके, तब दिखाएगा दो, 21 पे फिर तीन, इस तरीके से दिखाता है। ठीक है जी, इसका यूज हम मोस्टली डेट वगैरह में कर लेते हैं कभी कभार, दिखाऊंगा डेट के लिए कैसे यूज होता है। उसके बाद जो आता है हमारा फंक्शन कॉम्बिन, कॉम्बिन होता है जैसे आपके पास पांच ऑब्जेक्ट है कोई, आपको दो दो के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है जी, तो कितने पॉसिबल ग्रुप बन सकते हैं, कॉम्बिन का फंक्शन बताएगा, जिसमें आपको नंबर देना पड़ता है और नंबर चूजन कितने कितने का बनाना है। बताया है कि ये जो पांच के हैं, अगर आप दो दो करें तो 10 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, अगर चार चार के बनाए तो पांच ग्रुप बन जाएंगे, क्यों, इन चार में से कोई एक में शिफ्ट होगा। जैसे पांच मान लीजिए आदमी है, तो कितने अलग अलग तरह के ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है जी, जैसे तीन तीन के अगर बनाऊ तो दो तो भी 10 बन जाएंगे। अब चार के पांच कैसे बनेंगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सैंपल करके कि मैं बात किस तरह से कर रहा हूँ। मान लीजिए ये पांच लोग हैं। ठीक है जी, अब मैं ग्रुप बनाने लगा, तो पहले मैं पहला ग्रुप बनाया मैंने ये, ठीक है जी, दूसरा ग्रुप बना दिया मैंने ये वाला, तीसरा ग्रुप बनाऊंगा मैं ये वाला और ये वाला। ठीक है जी, चौथा बनाऊंगा मैं ये वाला, पांचवा बनाऊंगा मैं ये,
पांच डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपके पास एंटिटीज आ गए, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो ये इसी तरह की कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वही रिजल्ट है। इसी तरह मैं तीन तीन में करूंगा तो उतनी वेरिएशन आ जाएगी। तो कॉमबिन हमेशा इसी चीज को शो करता है। देन आपके पास मान लीजिए नंबर है, हमारे पास इवन नंबर निकालना है और इवन ऑड के दो फॉर्मूले हैं। तो कोई भी नंबर सप्लाई करेंगे, नियरेस्ट आपका इवन नंबर यहाँ दे देगा, जो आने वाला होगा नियरेस्ट वो दे देगा। ऑड में करेंगे तो नियरेस्ट ऑड दे देगा। ठीक है जी सर, आप टाइप कर रहे हो मुझे? हाँ, स्क्रीन में कोई सर सेव आपके कुछ टाइप भी कर दिखा रहे हो क्या? कुछ नहीं, मैं खाली ड्रैग कर रहा हूँ। नहीं, वो मुझे देखने में पता नहीं चल रहा था कि आप कर क्या रहे थे। मैंने फॉर्मूला लगाया था इवन का, अच्छा, फिर ऑड का उसी नंबर पे, ठीक है जी। तो इसने क्या किया, इवन का फॉर्मूला जहां मैंने लगाया इस रेफरेंस को दिया तो एक का दो बना दिया, क्योंकि दो नियरेस्ट था, जहां दो था उसने दो ही दिया, ठीक है जी। दो चार छह आठ दस बारह सोलह, ऐसे दो के इंडिविजुअल आते चले गए। ऑड में क्या हुआ, ऑड नंबर आ गए, एक तीन पांच सात नौ ग्यारह, इस तरीके से, ठीक है जी। तो इवन ऑड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, फैक्ट का मतलब फैक्टोरियल। जैसे मैं करता हूं पांच और इसका फैक्टोरियल निकालूं तो कितना हो जाएगा, 120। कैसे होगा, पांच चार तीन दो एक, इन सबको क्या करना है, मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, पांच मल्टीप्लाइड बाई ये, तो इनका जो भी आएगा वो 120 रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। ऐसे ही हमारे, हाँ जी, आपस में मल्टीप्लाई, हाँ फैक्टोरियल, वही फैक्ट डबल, एक स्किप करके निकालेगा, ठीक है जी। जैसे मैं इसको कर देता हूँ, 15 दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, पहले ये इसको क्लिक करेगा, फिर ये तीन पे जाएगा, फिर ये डबल, मतलब एक छोड़ के करेगा, ठीक है। देन आपके नॉर्मल से फॉर्मूले आते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल और लोअर कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है जी। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हम निकालते थे, तो उसी तरीके से ये जीसीडी और एलसीएम निकालते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि 12 और 30 में जीसीडी क्या होगा, छे आया, क्योंकि छह इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, मैक्सिमम वो आ जाएगा जो दोनों को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं इसी तरीके से, 60 आ गया, ठीक है जी। मिनिमम इस पे ये डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, ठीक है जी। तो जीसीडी एलसीएम, देन आपका राउंड के लिए क्या क्या चीजें यूज होती हैं, मान लीजिए यहां पे ये सर वो 10 में राउंडेड ऑफ कर देगा ना? हाँ, ये मैं राउंड ऑफ के आपको राउंडेड ऑफ करने के, हाँ राउंड ऑफ करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो राउंड के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है, राउंड का नॉर्मल केस पर, ठीक
ठीक है जी, इसमें देख सकते हैं कितनी डिजिट तक आपको राउंड करना है, तो जीरो दे दिया, जीरो डिजिट तक राउंड करना है। इसमें क्या हुआ कि जो 5 से 0.5 से नीचे नीचे थी वो क्या हो गई, माइनस में चली गई, मतलब 12 का 12 दिखा रहा है, 0.5 से आप 0.5 या उससे आप हो गई तो नेक्स्ट पे दिखा रहा है, 13 दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से चलेगी। एक होता है हमारे पास राउंड डाउन, ठीक है, राउंड डाउन में भी मैं सेम चीज करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये लोएस्ट वाला है, चाहे 0.5 हो चाहे 0.9 हो, अगर पूरी डिजिट नहीं है तो ये दिखाएगा नहीं, 12 दिखाएगा, 25 दिखाएगा, 50 राउंड अप, राउंड अप भी है हमारे पास। राउंड अप के फंक्शन में क्या होता है, ये राउंड अप कर देगा, बढ़ा के दिखाएगा, चाहे 0.1 भी हो तो ये बढ़ा के दिखाएगा, 12 से ज्यादा हो जाए। हाँ, जब किसी से हमें पैसे लेने हो तो उसके लिए राउंड अप कर देते हैं, देने हो तो राउंड डाउन कर देते हैं। ठीक है जी, ये बनिया रूल है राउंड अप पर। तो राउंड के फंक्शन आपको दिए हुए, इनके अलावा दो चार और भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इंट का फंक्शन है हमारे पास, ये भी राउंड के काम आता है, पर बिहेव किसकी तरह करेगा, ये राउंड डाउन की तरह। ठीक है जी, राउंड डाउन की जो वैल्यू होगी ये उसी तरह से करेगा, मतलब आगे कितना 0.9 भी हो तो भी ये बढ़ेगा नहीं आगे, राउंड डाउन की तरह। हमारे पास एक ट्रंक है, ट्रंक इसमें भी सेम फॉर्मेट में जाएगा, ट्रंक भी यही करता है। ठीक है, तो राउंड डाउन इंट ट्रंक एक जैसा, ये तीन फॉर्मूले एक सेम है, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस क्या है, फिर डिफरेंस कोई नहीं, राउंड डाउन ये आपका इतनी तरह से हो सकता है। ठीक है जी, फिर क्यों इन्होंने जो फॉर्मूला लगाया है कुछ, मतलब ऐसा रहा है उसकी ना, मतलब भावनाएं अलग अलग रही हैं, है काम तो सेम कर रहे हैं पर ये इसके लिए डिजाइन नहीं थे, तो फिर ये ऐसा कर क्यों रहे, मैं आपको बताता हूँ। राउंड डाउन है स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए डिजाइन था। इंट क्या करता है, ये हो गया है, था नहीं ऐसा, हो किसी गया। इंट जो है प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला इंटीजर है, इंटीजर कहते हैं इसे। इंटीजर क्या होता है कि अपना ये पॉजिटिव नंबर्स लेता है खाली, डेसिमल कंटेन ही नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो उसको वो छोड़ना पड़ रहा है आदत की वजह से इंटीजर को। ट्रंक क्या है, ट्रंक आपसे पूछ के ट्रंक कर रहा है, क्या मैं इसको हटा दूं, मतलब जो आगे आ रहे हैं फालतू तो डिजिट हटा दूं उसे, ऐसे कर रहा है। सर अगर हम इसमें जीरो की जगह कोई और वैल्यू लिखेंगे तो फिर ट्रंक में, किसमें जीरो की जगह, जैसे आपको मैं एक चीज करता हूँ 10 लिख दिया जैसे, तो दो 10 डिजिट डिजिट तक मांगेगा, ये तो डिजिट का होता है ना, जैसे मैं एक डिजिट पे करना चाहता हूँ, तो 12, ये दो डिजिट का है डेसिमल प्लेसेस का, ये तो क्या करेगा, ये सिंगल डिजिट तक राउंड कर देगा। पर इंट ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इंट आपसे मांग ही नहीं रहा है। ठीक है जी, एक और चीज इंट नहीं ऐसे कर सकता, वो ट्रंक जो है वो, और मैंने उसमें राउंड डाउन में -1 दे दिया तो डेसिमल छोड़ के सीधा वैल्यूज पे ही अटैक कर दिया उसने। ठीक है जी, 12 से 10 सीधा, और 10 20 30 इसमें राउंड नहीं होना चाहिए, हैं -1 किया तो अच्छा 11.36 पर राउंड ऑफ ठीक है, राउंड ऑफ ऊपर में चला गया। इसी तरह ट्रंक भी करता है मेरे ख्याल से, -1 देखते हैं। ठीक है जी,
वो आगे की इंफॉर्मेशन ही उड़ा देता है। तो ये राउंड के ये हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इसमें पांच तरह के। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके पास। ये आपको मैं साइन कोज वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि साइन कोज वगैरह के लिए तो साइन कोज वाली कैलकुलेशन थी, ये तो खाली वैल्यू इवेल्युएट करके देता है। अगर आपको साइन कोज थीटा अगर पता है तो वैसे भी यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं होता, नंबर देना है कॉल्स में, ठीक है जी। तो उसका रिजल्ट देते हैं साइन कोज टैन ए टैन टैन एच, ये सब वही सब है। हाँ जी वो तो अलग होता है, वो तो पूरा चार्ट होता है। हाँ मैथ में तो ये भी आते हैं ना, जैसे लॉग वगैरह है, अब लॉग वॉग से हम अपना कोई लेना वेला नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। दूसरा है आपके पास, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि एक सेवन रेडियस है, एक राउंड की सेवन रेडियस है, उसका वो निकाल रहा है एरिया निकाल रहा है, तो क्या लगाते थे हम पाई आर स्क्वायर। पाई इसमें पाई का फंक्शन है, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, पाई ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। जैसे दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा अपना काम हो गया, 153.938 इसी तरह 938 इसी तरह से आता था रिजल्ट में, ठीक है जी। हाँ जी। पर पाई आर स्क्वायर अगर आपको पावर देना है तो मैंने एक बताया था कि कैरेट साइन है और एक पावर का फंक्शन भी है अपने पास, तो यहाँ पे हम यहाँ नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी पावर दे सकते हैं, ठीक है जी। देन आगे देखते हैं इसमें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सिंपल मल्टीप्लाई करता है और कुछ नहीं करता, दो डिजिट है आपके पास तो आपस में मल्टीप्लाई करता है। दो डिजिट तीन डिजिट या जो भी है, प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट में जितने भी देंगे वो आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। एक नंबर ये चूज कर लिया मैंने, एक ये चूज कर लिया, एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट करके जब मैं सम निकाल रहा हूं इसका, ये अगर मुझे ये कैलकुलेशन नहीं करनी है मल्टीप्लाई करके यहां नहीं, तो मेरे पास एक सम प्रोडक्ट का भी है डायरेक्ट, सम प्रोडक्ट। इसमें आप सीधे सीधे रेंज सिलेक्ट कर लिया कि ये मल्टीप्लाई होनी है इनसे, फिर इनको क्या करेगा सम कर देगा, ठीक है जी। सेम वैल्यू आ गई तो ये करने की जरूरत नहीं, चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू चाहिए ऐसे भी कर सकते। स्क्वायर रूट निकालना हो किसी का, किसी प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकालना हो, जैसे 16 का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो एस क्यू आर टी का फंक्शन है अपने पास, एस क्यू आर टी सिलेक्ट किया इसका स्क्वायर रूट निकाल देगा, 4 निकाल दिया, 27 करते, अच्छा 27 का तो होता नहीं, 9 का 3 निकाल दिया, ठीक है जी। 25 का 5 निकाल दिया, 625 का 25 निकाल दिया, इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल दिया। देन एक रैंड का फंक्शन होता है अपने पास, रैंड। रैंड का फंक्शन क्या करता है, खाली रैंड नॉट रैंड बिटवीन, रैंडम नंबर जनरेट करता है 0 से लेकर 1 के बीच में, तो डेसिमल में दिखाता है, ठीक है जी। तो अगर आपको रैंडम वैल्यू चाहिए 100 के आसपास, तो रैंड करके इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, उतनी वैल्यू निकालने लगेगा, ठीक है जी, राउंड करके।
सौ तक की आपस में निकालने लगेगा, जीरो से सौ। रैंड बिटवीन स्पेशल फंक्शन है। रैंड बिटवीन क्या करता है, किसी दो वैल्यू के बीच की रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, जो कि मैं करता ही रहता हूँ। बीच की वैल्यूज जनरेट कर रहा है, देन आता है आपका सब टोटल। सब टोटल बहुत ही अच्छा फंक्शन है। सब टोटल में मैं क्या करता हूं, कोई छोटा सा डेटा बना लेता हूं, जैसे मैं फिल्टर लगा के चेक करता हूँ ना, इसमें टोटल मुझे चेक करना। ये जो नेम लिखे है, आपने जो नेम लिखे है, ये भी इसमें भी रैंडम सामने लगाया हुआ है क्या? नहीं मैम, इसको आपको शुरुआती क्लास में मेरे ख्याल से बताया होगा, एक्सेल ऑप्शन में जाके कस्टम लिस्ट, ये पता है आपको? नहीं नहीं ये कस्टम लिस्ट, हाँ ये बताई थी, हैं बताइए। हाँ बताई थी, अच्छा उसके थ्रू नहीं? हाँ उसी के थ्रू होगा, उसमें कोई भी नाम एग्जिस्ट करेगा ना, उसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा। पुरानी क्लासों की प्रैक्टिस भी कीजिए साथ साथ में, नहीं दिक्कत होगी। सर वो कर रही, एक्चुअली ये जो आपने दिखाया ना, एक्चुअली ये साथ साथ वैसे करवाया था, लेकिन ना प्रॉपर इसकी क्लास नहीं दी हुई, जैसे कुछ करवा रहे हैं तो तब बताया था, जैसे सर ने मुझे एडिटिंग के बारे में बताया था एक बार, किसके बारे में? ऐसे ऐसे क्लास नहीं ली थी, जिस जो आपने अभी खोला था ना, अभी फाइल खोली थी, अच्छा तो उसके बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं बताया हुआ आपको। ये बताए थे ये एक्सेल ऑप्शंस पूरे? ये सारे बताए थे? नहीं ये चीज वैसे नहीं बताई, ये जस्ट जब कर रहे थे तब साथ साथ बता दी थी, हाँ मतलब ये ऐसे ऐसे नहीं बताए। सेशन में ही तो बताया जाता है इसका, जैसे कस्टम लिस्ट का यूज है आपको बता, इसमें ये है कि संडे मंडे जो है हम ड्रैग कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ ड्रैग करना है तो हम ये यहाँ पे लिस्ट टाइप कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं कहीं से लिस्ट को। ठीक है जी, वो आपके अंदर आ जाएगी, उसमें से कोई भी वर्ड टाइप करेंगे तो इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। इसका एक और यूसेज बताया होगा कि मान लीजिए आपको जैसे इनकी पोस्ट है कोई डेजिग्नेशन कर दो, ठीक है जी, इनके अलग अलग डेजिग्नेशन है। अब डेजिग्नेशन कैसे सॉर्ट करूंगा, सॉर्ट करने के लिए तो वो एबीसीडी में होगा, अब मुझे सबसे ऊपर वीपी रखना है, फिर एग्जीक्यूटिव सबसे नीचे रखना है, इस तरह से अगर मुझे सॉर्ट करना है तो कस्टम सॉर्ट में मैं ये सॉर्ट भी कर सकता हूँ। कस्टम लिस्ट है अपने पास, तो मैं इनकी डेजिग्नेशन चूज कर ली मैंने यहाँ से, सबसे पहले वीपी, सबसे लास्ट में ऑफिसर, ओके करूंगा तो ये उस हिसाब से सॉर्ट भी हो जाएगा। ठीक है जी, हालांकि अभी नहीं किया है, अभी ये उसी केस में मांग रहा है मेरे से। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। तो इस तरह से अब इसमें क्या था कि मैं दिखाना चाह रहा था ये मैंने डेटा क्यों बनाया। मान लीजिए मैंने इसका टोटल देखना है कि संदीप ने कितनी सेल की, यहाँ से मैंने संदीप सिलेक्ट किया, और उसके बाद क्या करता हूँ मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ इस बार पे देखता हूँ, सम 575 दिखा रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से कर। और मान लीजिए अगर इसमें हम सम का फंक्शन लगाते हैं तो वो कारगर होता नहीं है, एक लाइन छोड़ के लगा देता हूँ ताकि ये फिल्टर के अंतर्गत ना आए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ लिखा आए, मुझे बार बार इसका प्रिंट लेना है ऐसे टोटल करके। ठीक है जी, लाइन को थोड़ा सा वो हाइट से मैं कर देता हूँ, इस तरह से मैंने प्रिंट लेना है।
पहले निकाल लिया मैंने संधि में, ऐसे इस तरह से प्रिंट लेना है। तो क्योंकि टोटल तो सबका दिखा रहा है, दिक्कत हो रही है, तो इस जगह क्या कर सकते हैं हम लोग कि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े, एक सब टोटल का फंक्शन होता है, सब टोटल का फंक्शन लगाएंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे आपके कि एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, और सम के लिए आपका है 9, ठीक है जी, या यहाँ से सिलेक्ट कर लें या 9 दे दे डायरेक्ट वैसे ही। उसके बाद फुल रेंज चूज कर लीजिए, ठीक है जी। अब सम दिखा रहा है या अभी पूरे का दिखा रहा है, पर इसकी खास बात क्या है कि जैसे ही मैं इसको फिल्टर करता हूं ये उतनी वैल्यू दिखाता है जितनी विजिबल होती है, ठीक है जी। पूरा फॉर्मूला उसी पे एप्लीकेबल होता है जो विजिबल होते हैं, तो हर एक की अलग अलग करके मैं चाहूं तो देख सकता हूं, ठीक है जी। प्रिंट निकालना है कभी ऐसे बड़े आराम से निकाल सकता हूं, तो सब टोटल का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब मान लीजिए इसकी समरी चाहिए मुझे, जो कि मोस्टली हम पाइवट से बनाते हैं, ठीक है। संदीप ने कितनी सेल की, हरीश ने कितने की, सुजीत ने टोटल कितनी सेल हुई, इनकी टोटल सेल मुझे यहां लिखनी है आगे, समरी चाहिए। पाइवट से करते हैं हम मोस्टली, तो इसको हम कर सकते हैं सम इफ के जरिए, सम विद इफ है। इसमें क्या है, पहले आपको चूज करना पड़ता है रेंज, मैंने रेंज चूज कर ली पूरी, देन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मैंने कहा, हाँ एक और चीज की सम की रेंज, सबसे पहली जो रेंज मांगता है वो मांगता है जिसमें आप क्राइटेरिया सर्च कर रहे हैं, जैसे संदीप की सेल्स पता करनी है मुझे कितना है, तो रेंज भी पूरी होगी, तो ये नेम वाली रेंज ले ली मैंने, ठीक है जी। देन क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मैंने इस सेल से उठा लिया, ये संदीप होगा। देन पूछ रहा है सम रेंज, अब जो वैल्यू सम होनी है उसकी रेंज चूज कर दो, ठीक है जी, इस तरीके से इसको ड्रैग कर दूंगा, हर एक का अपने आप दिखा देगा मैं, ठीक है जी, ठीक है। एक और चीज डाल देते हैं, सिटी डाल देते हैं, अभी तो जो हमने सम किया वो सिंगल क्राइटेरिया पे किया, माने कि हमने एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए, एक सेकंड होल्ड, टोटल उठा ला। अब मुझे क्या करना है, इसमें मैं चाहता हूं कि संदीप और दूसरा क्राइटेरिया कि उसकी पलवल की सेल कितनी है, एक और क्राइटेरिया बीच में इंसर्ट कर देता हूं सिटी का, तो यहां कर देता हूं एक स्पेसिफिक सिटी आ गई। अब इसकी सेल क्या है, तो समिट से तो होगा नहीं क्योंकि सिंगल क्राइटेरिया है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है मैं यहां कर देता हूं इसके सामने, वो है सम इफ्स, ठीक है। इसमें आपका मल्टीपल क्राइटेरिया आ जाता है, पर इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि सम रेंज जिसको सम होना है वो सबसे पहले आ जाएगी, तो सबसे पहले सम रेंज दे दी हमने, फिर क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन कौन सा है मेरा, नेम वाला है, क्राइटेरिया वन की रेंज नेम वाली सिलेक्ट कर ली, तो कॉमा लगाया क्राइटेरिया वन, यहाँ दिखा रहा है क्राइटेरिया वन, तो क्राइटेरिया वन सिलेक्ट कर ली, तो क्राइटेरिया टू रेंज बोल रहा है, मैंने कहा टू रेंज है ये सिटी वाली, और क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा ये रहा क्राइटेरिया, ठीक है जी। एंटर करूंगा तो उतनी सेल मुझे ये दिखा देगा, तो दिखा रहा है 46 दिखा रहा है, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं यहाँ क्या वाकई 46 है संदीप, और यहां से चूज कर दिया पलवल, ठीक है जी, तो इन दोनों की 46 है, ठीक है जी। तो इस तरीके से सम इफ्स को आप यूज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ, 2, 3, 4, 5, और जैसे इसमें मुझे क्राइटेरिया देना है कि चलिए सिटी का क्राइटेरिया मैं हटा देता हूं इसमें,
सिटी की जगह मैं कह देता हूँ कि सेल्स में ही जो वैल्यू ग्रेटर देन 50 है उसका सम, तो रेंज मैंने दे दी सेल्स वाली, और जो मैंने करना है ग्रेटर देन 50 तो वो करूंगा इन्वर्टेड कॉमा में, ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा 50, तो ग्रेटर देन 50 वाले कितने, एंटर करूंगा बता रहा है 457। ठीक है जी, इसको चेक करूंगा कैसे करूंगा, यहां से चूज किया इतना, फिर यहां से फिल्टर मैंने कर दिया यहां पे ग्रेटर देन 50, इसको देखा 457 आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इसमें क्राइटेरिया दे सकते हैं। देन उसके बाद आगे देखते हैं अपने समिट सम वालों के बाद, ठीक है। तो ये आपके फंक्शंस थे जो कि मैथमेटिकल फंक्शन है। इसके अलावा चलिए काउंट का भी बता देता हूं, समीफ बताया है तो समीफ जैसे ही और भी फंक्शन है। काउंट, अब मुझे मान लीजिए काउंटिंग करनी है, पहला एक काउंट करते हैं हम, कोई भी मैंने दे दिया कितने वैल्यूज है टोटल, ठीक है जी, सेल्स का सिलेक्ट कर लिया, तो काउंट करके जब मैंने रेंज दी तो मेरे को बता रहा है 75 है, पर बेसिकली 75 इसमें नंबर है, ठीक है जी, ऊपर जो सेल्स आ रहा है जो लिखा आ रहा है उसको काउंट नहीं कर रहा। अगर आपको अल्फाबेट्स भी साथ में काउंट कराने हैं तो आपको देना पड़ेगा काउंट ए, ठीक है जी, अब 76 दिखा रहा, उसकी जगह काउंट ए यूज कर लेता हूं, यहां से सिलेक्ट किया मैंने होल रेंज तो 76 दिखा रहा। दूसरा फंक्शन है काउंट ब्लैंक, पूरे को सिलेक्ट कर लिया, 10,48,500 के कुछ करीब बता रहे हैं कि ब्लैंक वैल्यू है, क्योंकि पूरा कॉलम सिलेक्ट किया था मैंने, जितने भी ब्लैंक होगा जिसमें वैल्यू नहीं होगी, अगर मैं यहाँ एक को भी हटा देता हूँ तो 10,48,500 एक ब्लैंक वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका काउंट इफ, काउंट इफ क्या करता है, आपकी वैल्यूज को काउंट करता है, जैसे सम सम करता है, काउंट इफ काउंट करता है। काउंट इफ में देंगे रेंज, नेम वाली रेंज सिलेक्ट कर ली, और फिर क्राइटेरिया, ये काउंट ए की तरह काम कर लेता है, ठीक है जी। तो बता रहा है 11 बार संदीप रिपीटेड है इसके अंदर, ठीक है जी। दूसरा काउंट इफ्स लगाता हूं कि मल्टीपल कंडीशन हुई तो काउंट करना है, इसमें क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू, तो इसमें सम हम तो कुछ कराना नहीं है, तो खाली क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया देना है। तो मैंने कहा कि पहला तो रेंज ये होनी चाहिए हमारी नेम वाली, और नेम यहाँ से चूज कर लिया, ठीक है जी। फिर मैंने कहा कि सिटी वाली सिलेक्ट कर ली, और सिटी का क्राइटेरिया मैंने यहाँ से दे दिया। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसमें संदीप है और पलवल है, तो ये बता रहा है दो वैल्यूज है। काउंट इफ को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, इफ क्राइटेरिया रेंज दिया मैंने संदीप यहां से, और क्राइटेरिया टू में मैंने सेल्स सिलेक्ट कर ली, और क्राइटेरिया दे दिया ग्रेटर देन 50, इन्वर्टेड कॉमास में दूंगा, ये काउंट मुझे बता देगा कि ऐसी कितनी वैल्यू है जहां संदीप है और ग्रेटर देन 50 है, तो बता रहा 6 वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा काउंट इफ में एक और चीज हम कर सकते हैं क्राइटेरिया के अंदर, ये अपना सम इफ में भी कर सकते हैं। मैंने ये पता करना है कि ऐसी कितनी वैल्यू है जो एस से शुरू हो रही है, तो यहां सिलेक्ट किया मैंने होल रेंज, देन अब इन्वर्टेड कॉमा में क्राइटेरिया देना है, तो क्राइटेरिया क्या रहेगा कि जो वैल्यू मुझे पता है वो दे दी, और जो नहीं पता है वहां स्टार लगा दिया,
कि एस होना चाहिए शुरुआत में, बाद में जो मर्जी हो मुझे नहीं पता, इन्वर्टेड कॉमा। तो बता रहा है एस के साथ शुरू होने वाली वैल्यू 22 है, ठीक है। अब मैंने कहा कि उनके एंड में एच आ रहा है, आगे क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, एंडिंग विद एच है तो स्टार आगे दे दूंगा, एच पीछे दे दूंगा, तब बता रहा है 22 वैल्यू है, ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं कि बीच में उनके डबल ई है, तो क्या करूंगा, आगे स्टार दे दूंगा, बीच में कैरेक्टर लिख दूंगा और पीछे भी स्टार दे दूंगा, मतलब आगे पीछे कुछ भी हो, ये कहीं भी हो डबल ई, तो बता रहा है 22 ऐसी वैल्यू है, ठीक है जी। कंटेन्स वाला, बिगनिंग विद, एंड विद और कंटेन्स, ठीक है जी। तो इस तरह से अपने क्राइटेरिया को चलाएंगे काउंट में, ठीक है जी। तो इसी तरह से एक हमारा एवरेज वाला भी फंक्शन है, वो भी दिखा देता हूं। अब इनमें मान लीजिए आपका एवरेज निकालना है आपको, तो पहला अपना एवरेज का फंक्शन है, सिलेक्ट किया, एवरेज निकाल दी इसने, सबकी एवरेज निकाल देगा खाली। इसी तरह से अपने पास है एवरेज ए, तो कहीं काउंट ए में तो उसने अल्फाबेट लिए लिए थे, एवरेज ए में क्या लेगा, एवरेज ए में क्या है, अल्फाबेट्स की कैरेक्टर पोजीशन भी ले लेगा, ये एस की कोई कैरेक्टर पोजीशन है उसको लेके इसने काम कर दिया। कोड कोड ले लेता हूं, तो ये कोड लेके इसने काम किया, इसके अंदर 83 भी शामिल कर दिया, इसलिए ये डिफरेंट वो आ गया, ठीक है जी। और एवरेज इफ भी हमारे पास है, रेंज क्राइटेरिया एवरेज रेंज सम इफ की तरह ही है। तो पहला रेंज हमें देनी होती है, जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर दिया नेम वाली रेंज, और नेम यहां से चूज कर लिया, फिर एवरेज किसमें से करनी है, इसमें से करनी है। तो जहां जहां संदीप है उस संदीप की एवरेज कितनी है, इतना आ गया, ठीक है जी। देन मेरा एक चलता है इसमें एवरेज इफ्स भी, एवरेज इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया, तो नेम का रेंज ले लिया मैंने, फिर ये नेम ले लिया, फिर मैंने सिटी ले लिया और सिटी का रेंज ले लिया, क्राइटेरिया ले लिया, फिर मैंने एवरेज के लिए रेंज दे दी कि संदीप का पलवल जो है उसकी एवरेज कितनी है। अच्छा क्राइटेरिया टू में अटक गया कहीं जाके, यहां से लिया मैंने रेंज वन ए ए और जो एच थ्री आई थ्री, तो सिटी लेके एवरेज इफ्स। अच्छा क्राइटेरिया टू एवरेज रेंज इसमें पहले दे दी है मैंने, वही सम इफ्स वाला चक्कर है, एवरेज रेंज यहां पे पहले देनी है, फिर क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया रेंज टू और क्राइटेरिया टू, ठीक है, तेईस की एवरेज है, ठीक है जी। तो ये कुछ फंक्शंस है मैथमेटिक्स के जो हम यूज करते हैं, जिसको मैं आपको शीट भी मेल कर देता हूं।